Good evening to all. Myself Abhi K Roy from the Mathematics Icon Channel, your mathematics teacher as well. And in this video, just we are going to discuss the function chapter from the 11th class as well. Okay. So just in class 12th lecture, just you can see the function chapter lecture was there. That you can see that lecture also, because this is I think the similar lecture. Okay. So in this lecture, just we are going to discuss, I think in the last video we had discussed about the function chapter actually. Okay, the different types of functions, different patterns. Okay, just we had discussed about that, and the definition was not given, I think. So the definition will be given, and all types of functions will be discussed. So before that, we have to know what is function and how it can be expressed and how it can be solved. Okay, then after that, I think we should know the types of the functions. Okay, so just before that, we have to solve solve some questions regarding the functions actually. Okay, so what is the function and how the function chapter questions can be solved, the basic level questions, how it can be solved. This is the question actually. उसके बाद हम लोग जो है ये जो है types of functions, फिर उसके बाद एक एक type के ऊपर हम लोग discuss करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा advanced level solutions में जाएंगे, है कि नहीं? तो इस लेक्चर में हम लोग जो है फंक्शन चैप्टर का जो एकदम सामने का क्वेश्चंस है, बेसिक लेवल का क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 11th क्लासेस के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. रिमेंबर दिस वर्ड. ओके, सो दिस फंक्शन चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 11th क्लास एज वेल एज फॉर 12th क्लास, फॉर द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड फॉर द अदर सब्जेक्ट एज वेल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ओके, इफ यू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द फंक्शन चैप्टर, देन यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स एज वेल इन मैथमेटिक्स. Okay, so if you have the clear idea, if you have the strong concepts regarding this function chapter, then I think you will be too much confident on the mathematics as well. Okay, so as I told you, this function, क्या होता है ये function? मैंने बोला था क्या होता है फंक्शन. फंक्शन एक काम होता है, एक काम में हम लोग कुछ इनपुट देंगे और कुछ आउटपुट मिलेगा. यही तो होता है ना, यही मैंने बोला था कि एक इनपुट देंगे एक आउटपुट मिलेगा, यही काम होता है यहाँ पर. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ इनपुट्स आपको दिया जाएगा, वही इनपुट्स जो है आपको यूज करना है. यू हैव टू यूज दैट इनपुट्स ओनली. ओके, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये 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 इनपुट है, आपको यही यूज करना है. वो इनपुट यूज करके यहाँ पर फंक्शन का जो है एक फंक्शन दिया जाएगा, काम आपको दिया जाएगा, है कि नहीं? काम आपको दिया जाएगा. जैसे आपको घर पे ये फंक्शन करना है, जितने आपका जन्मदिन है. ठीक है, तो ये काम क्या है? जन्मदिन है, जन्मदिन है. तो ये जन्मदिन को सेंटर रख के उसमें कुछ इनपुट आएगा, दैट मीन्स खाने का चीज भी ये सब बनाओगे, और आउटपुट जो है लोग खा के जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन सेंटर पॉइंट पे कौन रहेगा? आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है. ठीक है, तो वही बर्थडे सेलिब्रेशन है या क्या कुछ अनदर फंक्शन है, वो आपको क्वेश्चन में जो है वो दिया जाएगा. उसके ऊपर बेस करके आपको इनपुट चूज करना है और आउटपुट निकाल के दिखाना है. ठीक है, तो एक सपोज एक एग्जांपल्स जो है हम लोग यहाँ पर चूज करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं ये सब फंक्शन वाला क्वेश्चंस. और आप लोगों को अगर ये लेक्चर्स, ये 11th का जो बहुत सारा लेक्चर्स हो गए हैं, 12th का भी लेक्चर्स हुआ है, आईटी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स जेईई मेन एंड एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. आप लोगों को अगर लेक्चर्स ये पसंद आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है. ठीक है, तो आज जो है फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी. दैट मीन्स एक काम होता है फंक्शन, ये इनपुट है इनपुट. दैट मीन्स जो भी आपको इनपुट यूज करना है, आपको ये सेट से यूज करना है. ठीक है, और ये है आउटपुट सेट, ये है इनपुट सेट. यहां से आपको इनपुट वैल्यूज चूज करना है और यहां से आपको आउटपुट वैल्यूज चूज करना है. ठीक है, where a equals to 1 2 3 4 एंड ऐसे दिया गया, देखो इनपुट सेट दिया गया है. b इक्वल्स टू 1 4 9 16 and the function given by एक फंक्शन आपको दिया गया है, काम क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये बर्थडे वाला पार्ट है, ये बर्थडे आपको ये फंक्शन आपको करना है। इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए। इनपुट आप कहां से चूज करेंगे, यहां से चूज करेंगे, और आउटपुट कहां मिलेगा, इस सेट में मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है कंस्ट्रक्ट द फंक्शन सेट हियर, कंस्ट्रक्ट द फंक्शन सेट। ओके, अब देखो यहां पर हियर गिवन a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 1 4 9 16। ठीक है, है कि नहीं। हियर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर। ये होता है मेन पार्ट। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग कुछ इनपुट यूज करेंगे, कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर इनपुट चूज करेंगे और यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। कैसे मिलेगा, प्रोसेस देखो। यहाँ पर इनपुट आपको क्या क्या चूज करना है, देखो ये सब रोज है आपका इनपुट। दैट मीन्स 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इनपुट्स मिलके एक सेट। ठीक है, आउटपुट क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, 1 4 9 16। दैट इज ये आउटपुट मिलके एक सेट बनाएगा। और यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया। देखिए जो भी आपको इनपुट यहाँ पर यूज करना है, वो इनपुट आप कहाँ पर यूज करेंगे, इस फंक्शन में यूज करेंगे। दैट मीन्स बर्थडे जो फंक्शन है ना, उसमें यूज करेंगे, फिर वहां से ही तो आउटपुट मिलेगा आपको, है कि नहीं। तो इनपुट आपको यहाँ यूज करना है, आउटपुट आपको वहां पर मिलेगा, है कि नहीं। तो जैसे आप लोग सपोज यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज यहाँ पर कोई भी काम ले लो, जैसे फैन चल रहा है ना घर पे। अब उसमें इनपुट डालेंगे। इनपुट मतलब क्या है, रेगुलेटर 1 2 3 4 5। मैंने देखो फर्स्ट फंक्शन चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए जो लेक्चर बनाया है, उसमें आपको ये सब एग्जांपल जो है मिलेगा। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 सेटिंग्स होता है ना, आप इनपुट अगर यहाँ पर 1 चूज करेंगे, फैन का स्पीड 1 आएगा। फिर इनपुट आपको 2 सेट करना है, फैन का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा। 3 चूज करना है, फैन का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा। 4 चूज करना है, फैन का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा। 5 चूज करना है, फैन का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स आप रेगुलेटर में इनपुट चूज कर रहे हैं। ठीक है, 1, तो ये 1 कनेक्शन कहाँ जा रहा है, फैन के ऊपर जा रहा है। फैन, फिर फैन से स्पीड मिल रहा है कि नहीं। फिर x इक्वल्स टू 2 आपने चूज किया, x इक्वल्स टू 2 इनपुट चूज किया। इनपुट कहां पर यूज किया, फैन के ऊपर चूज किया। अब फैन से आउटपुट मिल रहा है, तो यहां पर भी सेम। ये फैन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जो है ये फैन है। इनपुट आप यूज कर रहे हैं 1, तो यहां पर फैन में जाएगा। फैन से आपको आउटपुट मिलेगा, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर देखो, अगर मैं इनपुट x इक्वल्स टू 1 चूज करूं, x इक्वल्स टू 1 चूज करूं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, ये है फैन। तो फैन के ऊपर इनपुट यूज करना है। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या लिया है आपने, 1। दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1। तो आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। एक्स इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर, दैट इज 4। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। एक्स इक्वल्स टू 3, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, दैट इज 9। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। एक्स इक्वल्स टू 4, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये सब क्या है, आउटपुट है ना। ये सब आउटपुट है कि नहीं, आउटपुट है ना। और ये सब इनपुट है। तो दैट मीन्स आपने इनपुट यूज किया, इनपुट यूज करके फैन में गया, फैन से आपको आउटपुट मिल रहा है। ये है कि नहीं, फैन से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट और आउटपुट मिलके जो है एक पेयर बनाएगा, पेयर। तो यहाँ पर क्या क्या पेयर बनता है, देखो फर्स्ट पेयर। इनपुट और आउटपुट मिलके जो है वो एक पेयर बनाएगा, इनपुट 1 आउटपुट 1। सो दैट इज फर्स्ट पेयर क्या है, 1 1। सेकेंड पेयर 2 4। थर्ड पेयर 3 9। फोर्थ पेयर 4 16। और है क्या कुछ इनपुट और आउटपुट, और नहीं है। तो अगर यहाँ पर सब पेयर्स जो है कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद all the collection, that means this collection of the pairs will belong to a set actually, okay? तो set मतलब आपको एक second bracket जो है आपको use करना है। आप किसी भी चीज का यहाँ पर collection लेंगे, collection मतलब ही है set, ठीक है। तो यहाँ पर set मतलब आपको second bracket use करना ही है। तो ये set जो है function का ही या तो set निकला है ना ये, तो ये function that means f equals to ये लिखना है एफ इक्वल्स टू ये देखो ऑर्डर पेयर्स मिल गया है। क्यों इसको ऑर्डर पेयर मिला जाता है? क्योंकि हर एक पेयर में देखो पहले इनपुट वैल्यू होता है फिर आउटपुट वैल्यू निकलता है, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर एक ऑर्डर जो है मेंटेन किया गया है ना, तो ये सब ऑर्डर मेंटेन करके जो पेयर बनाया गया है इसलिए ये सब पेयर्स को बोला जाता है ऑर्डर पेयर्स। ठीक है कि नहीं? किसी भी पेयर में आप ये नहीं देखेंगे पहले आउटपुट यूज करोगे इनपुट मिलेगा, ये कैसे पॉसिबल है? आउटपुट पहले आपने यूज किया उसके बाद इनपुट मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो दैट मींस हर एक पेयर में देखो पहले इनपुट यूज करोगे फिर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ऑर्डर मेंटेन करके पेयर्स बनाया गया है इसलिए इसको बोला जाता है क्या? ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन गया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आओ देखो, इफ ए इक्वल्स टू एक सेट दिया गया है आपको, इफ ए इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 दैट मीन्स ऐसे इफ ए इक्वल्स टू -1 -2 0 1 2 okay, and f such that a to z okay, given by fx equals to x square minus 2x minus 3 x square minus 2x minus 3 okay। Now question number 1, find the range of f, question number 2 क्या है? pre image of 6 minus 3 and 5 ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो आपको यहां पर देखो एक फंक्शन दिया गया है, जैसे ये बर्थडे सेलिब्रेशन का एक पार्ट दिया गया है। अब वहां से आपको क्या निकालना है? पहले तो फाइंड द रेंज। रेंज मतलब क्या है? रेंज मैंने बोला था, रेंज मतलब आउटपुट। आउटपुट क्या क्या निकलेगा वो आपको निकालना है। रेंज मतलब क्या है? आउटपुट्स। दैट मीन्स फॉर द इनपुट वैल्यूज व्हाट विल बी द आउटपुट वैल्यूज, यू हैव टू फाइंड द आउटपुट वैल्यूज ओनली। Okay, so what should be the input values here? Just you can see the function. Function देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ देखो ये f such that कहाँ से कहाँ a to z। तो देखिए ये जो सेट है वो इनपुट होगा और ये जो सेट है वो आउटपुट होगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर z क्या है? What is z? z मतलब एक सेट होता है, एक कलेक्शन होता है कुछ नंबर्स का, जिस सेट में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह नंबर्स रहेगा। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 दिस टाइप का नंबर्स रहेगा। दैट मींस ऑल द राउंड फिगर नंबर्स विल बिलोंग टू ए पर्टिकुलर सेट एंड दिस सेट इज कॉल्ड द इंटीजर सेट एज वेल। तो इंटीजर सेट में कभी भी कोई फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, कोई भी रेशनल नंबर नहीं आ सकता है, याद रखना कोई भी डेसिमल नंबर कुछ भी नहीं आ सकता है, ओनली द राउंड फिगर नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... इन्फिनिटी। फिर उसके बाद 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 ... इन्फिनिटी। ओके, सो दैट मींस यहाँ पर इनपुट आपको चूज करना है कहां से? ए सेट से। देखो लिखा गया ए सेट, ए सेट क्वेश्चन में दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर इनपुट आपको इस सेट से ही चूज करना है, इनपुट आपको मन से नहीं चूज करना है। मैंने बोला था कि इनपुट वैल्यूज आपको दिया जाएगा, कहां से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो है देखो इनपुट वैल्यूज जो है वो दिया गया है। दैट मीन्स इनपुट वैल्यूज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक्स। आउटपुट वैल्यूज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ ऑफ एक्स। जस्ट सी द लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो दैट मीन्स हियर लिखो, हियर a equals to -1 -2 0 1 2 okay, fx equals to what? x square minus 2x minus 3। So now here the input choose करेंगे. इनपुट सेट क्या दिया गया है देखो -1 -2 0 1 2 और आउटपुट सेट जो है वो इंटीजर सेट है. इंटीजर सेट में तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना, इनफाइनाइट नंबर्स है. हम लोग नहीं जानते यहाँ पर क्या क्या नंबर होता है, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं. सो यहाँ पर जो है हम लोग डॉट डॉट देके रखते हैं क्योंकि कौन सा नंबर है यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग तो नहीं जानते. अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं क्या, यहाँ पर देखो ये इनपुट वैल्यू है, ये आउटपुट सेट है कि नहीं. तो हम लोग यहाँ पर इनपुट चूज करेंगे. पहले क्या चूज करना है -1. नाउ x इक्वल्स टू क्या -1. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² दैट इज -1 होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -3. इसका आंसर क्या निकल रहा है देखो तो -1 होल स्क्वायर दैट इज 1 −−+2 दैट मीन्स +2 +1 +3 -3 0. That means इनपुट यहाँ पर x इक्वल टू -1. -1 इज इनपुट एंड आउटपुट इज व्हाट 0 है कि नहीं. फिर उसके बाद x इक्वल टू -2. सो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या आएगा -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -2 -3. तो -2 स्क्वायर बट 4 प्लस 4 यहाँ पर ये भी +4 दैट मीन्स +4 प्लस 4 +8 -3 दैट इज 5. आउटपुट क्या आएगा 5. इनपुट क्या है -2. x इक्वल्स टू 0. सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू तो 0 चूज कर रहे हैं तो ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0, सिर्फ यहाँ पर -3 रहेगा. दैट मीन्स ये होगा आपका आउटपुट है कि नहीं. तो ऐसे होता है दैट मीन्स x के जगह देखो 0 स्क्वायर -2 इंटू 0 -3 तो ये तो 0 है ना, तो -3 ये होता है आउटपुट. अब ये इनपुट x का वैल्यू 1. So f of x equals to 1 square -2 into 1 -3 equals to. So यहाँ पर 1 -2 -3 that is -5 −5 + 1 that is -4. फिर उसके बाद x equals to 2. f of x equals to 2 square -2 into 2 -3 equals to sorry ये 2 square means 4 4 minus 4 और ये -3 है कि नहीं. तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इनपुट हम लोग ये चूज कर रहे हैं देखो और आउटपुट ये निकल रहा है कि नहीं. तो दैट मीन्स मैंने बोला था कि आउटपुट सेट जो है आउटपुट वेलोज जो होता है दैट मीन्स यहाँ पर देखो ये वेलोज -1 -2 -3 ऐसे लिख लो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता रहेगा ठीक है. अब देखो यहाँ पर 1 के लिए -1 के लिए x इक्वल्स टू -1 के लिए fx आउटपुट क्या निकला था 0. दैट मीन्स ये बॉन्डिंग बना दो -1 के साथ 0 का बॉन्डिंग बन गया. -2 के लिए क्या निकला था 5. -2 के लिए 5 निकला था दैट मीन्स दिस वन. फिर 0 के लिए क्या निकला था 0 के लिए -3 निकला था है कि नहीं. फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या निकला था -4. x इक्वल्स टू 1 के लिए -4 तो यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, तो ये काम करो यहाँ पर ये तो 0 है -4 ऊपर लिख दो है कि नहीं. तो दैट मीन्स ये -4. फिर 2 के लिए क्या होता है -3 होता है. 2 के लिए -3 होता है. सो दैट मीन्स यहाँ पर इनपुट और आउटपुट वेलोज मिलके कुछ पेयर्स यहाँ पर बना रहा है और ये सब पेयर्स जो है वो ये सब पेयर्स को बोला जाता है ऑर्डर पेयर्स. अब सब पेयर्स को कलेक्ट करके जब एक साथ लिखोगे एक क्या बनेगा सेट बनेगा, एक कलेक्शन बनेगा. अब जब कलेक्शन तुमने बना लिया है दैट मीन्स आपको क्या यूज करना है सेकंड ब्रैकेट यूज करना है और सेकंड ब्रैकेट यूज किया दैट मीन्स दिस इज ए सेट. सेट का नाम क्या है फंक्शन सेट है नहीं क्योंकि इनपुट और आउटपुट मिलके सेट बना रहा है दैट मीन्स ये फंक्शन ही होगा कुछ काम का ही होगा है नहीं. सो दैट मीन्स तो हियर व्हाट इज द क्वेश्चन हियर फाइंड द रेंज ऑफ एफ. रेंज मतलब आउटपुट, तो आउटपुट क्या निकला ये सब निकला तो यहाँ पर रेंज क्या होगा ये सब होगा. सो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया. सो हियर द रेंज ऑफ एफ इज जस्ट राइट द फर्स्ट आंसर हियर द रेंज ऑफ एफ इज here the range रेंज ऑफ एफ इज, लिखो क्या क्या निकला, सीरियल वाइज लिखना है कि नहीं, -3 -4 -4 -4 -3 0 0 5 कलेक्शन बन गया। देखो एक नंबर्स का कलेक्शन बना है, बस सेकंड ब्रैकेट आपको यूज करना है। तो ये होता है आपका रेंज, है कि नहीं, रेंज दैट मीन्स क्या, आउटपुट। ये ऐसे लिख लो आउटपुट, एग्जाम में नहीं लिखना है आउटपुट, और एग्जाम में लिखोगे तो मानेंगे उसको क्या आउटपुट क्या है। ये तो मैंने समझाया आपको, आउटपुट इनपुट, ठीक है। तो आपको मैथमेटिकली उसको थोड़ा एडवांस लेवल का वर्ड यूज करना है, रेंज, रेंज, डोमेन, डोमेन मतलब इनपुट और आउटपुट मतलब रेंज, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्री इमेज ऑफ 6 -3 and 5। मैंने बोला था कि प्री इमेज मतलब क्या है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने बोला था, इमेज मतलब एफएक्स का वैल्यूज, वो आउटपुट वाला इमेज। देखो फंक्शन का जब डेफिनेशन लिखाया था तब देखो लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या बोला था, ये इमेज मतलब द आउटपुट वैल्यूज, एफएक्स का वैल्यू जो होता है उसको इमेज बोला जाता है, ठीक है। अब उसको प्री इमेज क्या है, प्री इमेज मतलब इमेज से पहले। तो इमेज आउटपुट निकलने से पहले क्या होता है, इनपुट होता है ना, विदाउट इनपुट कांट गेट द आउटपुट हियर। सो दिस ऑल द इनपुट वैल्यूज आर कॉल्ड व्हाट, प्री इमेज। प्री, प्री पहले, पहले, प्री मतलब क्या होता है, पहले, फर्स्ट ये काम करना है और उसके बाद आउटकम मिलेगा, प्री इमेज, ठीक है। इमेज मतलब आउटपुट, है कि नहीं। तो प्री आउटपुट मतलब क्या है, आउटपुट से पहले। तो आउटपुट से पहले क्या होता है, इनपुट होता है। तो बात को थोड़ा घुमा के दिया है, तो कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो, मैं हूं ना यहाँ पर, कंफ्यूज क्यों हो गए, कितना सुंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्री इमेज ऑफ 6 -3 and 5। फाइंड द प्री इमेज ऑफ 6 -3 and 5, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर जब आपको प्री इमेज निकालने के लिए बोला गया है, प्री इमेज दैट मीन्स इसका वैल्यू निकालना है, इनपुट का वैल्यूज निकालना है, और आउटपुट दिया गया है, आउटपुट दिया गया है, आपको निकालना है क्या, इनपुट का वैल्यूज निकालना है। तो आउटपुट वैल्यूज यहां पर देखो, यहां पर हियर ऐसे लिखो, हियर fx इक्वल्स टू क्या है, x² - 2x - 3, ये होता है आउटपुट, ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन, ठीक है। अब जो है आउटपुट का वैल्यूज दिया गया है, आउटपुट का वैल्यूज आपको पता है। अब आउटपुट का वैल्यूज से आपको इनपुट का वैल्यूज निकाल के दिखाना है उन लोगों को, प्री इमेज, है कि नहीं। तो आउटपुट का वैल्यूज मतलब क्या है, हियर, हियर फर्स्ट वैल्यू क्या दिया गया है, 6, दैट इज fx इक्वल्स टू 6। fx मतलब क्या, आउटपुट है ना। तो आउटपुट का वैल्यू क्या दिया गया है, 6। तो fx तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, देखो क्या है, x² - 2x - 3 = 6। आपको क्या निकाल के दिखाना है यहाँ पर, इनपुट मतलब किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकाल के दिखाना है, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो x² - 2x - 9 = 0, है कि नहीं। कैन आई राइट दिस लाइन। सो ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ये देखने में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स एक इक्वेशन में एक समीकरण होता है ना, समीकरण, समीकरण में अगर उसका जो पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 प्रोसेस है, एक है middle term factorization and the another process is what, another process is quadratic formula, -b + - √(b² - 4ac) / 2a, discriminant method। साइड में देखो quadratic formula, quadratic फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b। अगर एक इक्वेशन ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर एक इक्वेशन देखने में ऐसा लग रहा हो, यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 3, तब आपको x का वेलो निकालने के लिए एक प्रोसेस आपको दिया गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर a का वेलो क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है वो b होगा, और जो कांस्टेंट है वो c होगा। दैट मीन्स यहाँ पर x का वेलोस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके भी निकाल सकते हैं। और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो है ही। अगर कोई भी इक्वेशन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग, तब आपको देन यू हैव टू यूज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रिमेंबर दिस वर्ड। So if you can solve by using the middle term factorization, then it will be okay, no problem. It will be good. Right? Middle term factorization is very good. Okay. So if this middle term factorization can't be used for a particular function, particular equation, then this quadratic formula should be used. Okay. So ये जो है, इसमें हम लोग middle term factorization use कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस बी। देखो यहाँ पर b क्या है इस इक्वेशन में, इसके साथ इस इक्वेशन का कंपेयर करो तो देखो a की जगह क्या है, यहाँ पर a की जगह शायद 1 है, b की जगह क्या है -2 है, c की जगह क्या है -9 है। देखो तो है कि नहीं, a की जगह 1, b की जगह -2, c की जगह -9। जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसमें a b c का वैल्यू बिठा देना है। minus b, that is minus of -2, plus minus b square, that is -2 whole square, b square minus 4 into a into c whole by twice a, that is x equals to 2 plus minus root over 4 minus minus plus 36 by 2, that is 2 plus minus root 40 by प्लस माइनस रूट 40 बाई 2। दैट मीन्स यहां पर रूट 40, इसका मतलब क्या होता है? रूट 40 बोलो तो, रूट 40 का क्या मतलब होता है? यहाँ पर x का जो वेलोज है, दैट मीन्स इनपुट वेलोज निकालना है ना आपको, इनपुट निकालना है। तो इनपुट का सेट जो है वो क्या दिया गया है, इनपुट का सेट, इनपुट का सेट जो है क्या दिया गया है, इनपुट का सेट यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इनपुट -1 और क्या है देखो -2 -1 0 1 2 ये होता है इनपुट का सेट। दैट मीन्स इनपुट का जो भी वेलोज आपको मिलेगा वो सब वेलोज जो है ये वेलोज आना चाहिए, -2 -1 0 1 2। एक्स का वेलोज क्या इन सब में आ रहा है क्या? देखो तो एक्स का वेलोज क्या आ रहा है, ये देखने में क्या लग रहा है, ये सब उल्टा पल्टा क्या आ रहा है, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 40 बाई 2। एक्स का वैल्यूज तो सेट में नहीं आ रहा है, लेकिन जो इनपुट का सेट जो है क्वेश्चन में दिया गया है वहां से ही आपको इनपुट का वैल्यूज जो है वो होना चाहिए। उससे मतलब उसके अलावा आपको कोई भी इनपुट वैल्यूज यहाँ पर नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो अनफॉर्चुनेटली फॉर दिस वैल्यू, फॉर दिस आउटपुट 6, वी डोंट हैव एनी इनपुट वैल्यू। जस्ट तुम्हें ऐसे लिखना है, फॉर सो ऐसे लिखना है आपको, है प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स प्री इमेज है ही नहीं, इनपुट है ही नहीं, किसके लिए, 6 के लिए। 6 तो एक आउटपुट था ना, तो यहां पर हम लोगों ने 6 को आउटपुट लेके हम लोगों ने इनपुट निकालने का यहाँ पर कोशिश किया है। अब इनपुट निकाल के देखा, इनपुट का ऐसा ही एक वेलो आया, जो वेलो हम लोग के पास जो सेट दिया गया है इनपुट सेट, उस सेट में ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इनपुट इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। आपको इनपुट वेलो जो भी निकालना है वो सब वेलोज किसमें होना चाहिए, गिवन इनपुट सेट में होना चाहिए। तभी आप इसको बोल सकते हैं कि नहीं ये इनपुट है। बट यहां पर ये जो एक्स का वैल्यूज निकल रहा है ये माने प्लस माइनस है ना, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी वैल्यू यहां पर गिवन सेट में जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब गिवन सेट में नहीं है, है ही नहीं। तो दैट मीन्स ये इसको हम लोग इनपुट जो है कंसिडर नहीं कर सकते। तो प्री इमेज मैंने क्या बोला था, इनपुट। प्री इमेज मतलब क्या बोला था मैंने, इनपुट। तो प्री इमेज डजंट एग्जिस्ट मतलब इनपुट डजंट एग्जिस्ट, इनपुट है ही नहीं, ऐसे लिखना है। इसका मतलब इस लाइन का मतलब इनपुट है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चूज करना है, -3 चूज करके देखो तो क्या आ रहा है। दैट मीन्स यहां पर आउटपुट आपको -3 चूज करना है, ठीक है नहीं। दैट मीन्स ये 6 के जगह में आपको क्या, -3 ये -3। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x² -2x = 0 रहता है। फिर x कॉमन लोगे, x - 2 = 0 है। सो यहाँ पर आइदर x = 0 और x - 2 = 0, दैट इज x = 2 है। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू 2 निकल रहा है या फिर x का वैल्यू क्या निकलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो x का वैल्यू 0 जो है इनपुट सेट में बिलोंग कर रहा है, गिवन क्वेश्चन में कर रहा है। देखो 2 बिलोंग कर रहा है, इनपुट सेट में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स प्री इमेज क्या क्या निकला, प्री इमेज क्या क्या निकला, 0 2। प्री इमेज क्या निकला, 0 2। ठीक है, हो गया। दैट मीन्स -3 के लिए 0 और 2 मिला आपको, ठीक है। वो करेक्शन करो, ये तो -3 था ना, हम लोगों ने 3 लेके कैलकुलेशन कर दिया। -3 ये -3 है, -3 -3, ठीक है। फिर हो गया। अब उसके बाद आओ 5 पुट करके देखो तो यहाँ पर 5 है। दैट मीन्स ये 5 होगा, ये तो -3 है। दैट मीन्स 5 इधर आएगा माइनस, ओके -8 हो जाएगा, = 0। सो -8, -8 आई थिंक मिडिल टर्म हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो तो 2x है ना, इट मीन्स 4x -2x नहीं करेंगे ये, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। x = -b ± √(−b) मतलब यहाँ पर b क्या है, -2, -b ± b², -2 - 4 × a × c / 2a, that means 2x × 1, x = 2 ± √4, ये 32/2। so that means ये क्या होगा, 2 ± √36/2, that means 2 ± √36, 36 तो स्क्वायर नंबर है ना, तो √36 क्या होगा, 6/2। तो 2 ± 6 आ रहा है, देखो 2 ± 6। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 2 निकल रहा है, एक है 2 + 6/2 और x = 2 - 6/2। 2 + 6/2, 2 = देखो तो 8/2, आंसर क्या निकल रहा है, 4। x का वैल्यू 4 निकला, इनपुट x का वैल्यू 4 जो है वो निकल सकता है क्या, सेट में है क्या 4 x = 4। देखो तो ए सेट जो दिया गया है इनपुट सेट, उसमें x का वैल्यू 4 है क्या, नहीं है। आपको ऐसे लिखना है, डजंट बिलोंग्स टू, इसको बोल सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग नहीं करता। कहां पर, ए सेट में, मतलब इनपुट सेट जो दिया गया है क्वेश्चन में उसमें 4 जो है बिलोंग नहीं करता है। दैट मीन्स ये x = 4 हम लोग चूज नहीं कर सकते एज द इनपुट वैल्यू। यहां पर x = -4/2 है, -2 आ रहा है, देखो -2, x का वैल्यू -2, तो हम लोग यहां पर चूज कर सकते हैं, -2 तो है सेट में, देखो। सो दैट मीन्स आपको ऐसे लिखना है, सो द प्री इमेज ऑफ किसका है, 5 = -2। दैट मीन्स प्री इमेज ऑफ, दैट मीन्स आउटपुट अगर 5 हो, इनपुट क्या है, -2, ठीक है, -2। तो ऐसे ही आप लोग निकालना है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को जो है ये सब निकालना है। कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है कि नहीं। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लिखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, express the following function as the set of order pairs, express the following function as the set of order pairs, express the following functions as the set of order pairs express the following function express the following function as the set of order pairs okay, and determine their ranges and determine their ranges. So f such that a to r, fx equals to x square plus 1, where a equals to दिया गया है आपको क्या क्या -1 0 2 4। दैट मीन्स यहाँ पर आपको इनपुट सेट दिया गया है। इनपुट सेट में क्या क्या इनपुट्स है, -1 0 2 4, ये है आपका इनपुट सेट। इनपुट सेट देखो यहाँ पर फंक्शन ए टू आर जा रहा है ना, दैट मीन्स ये इनपुट है। ये इनपुट जो पहला वाला सेट रहेगा वो इनपुट होगा, ये आउटपुट है। सो यहाँ पर इनपुट मतलब ये -1 0 2 4। तो इनपुट मतलब किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम लोग चूज कर सकते हैं क्या क्या, -1 0 2 4। आउटपुट निकाल के दिखाना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, डिटरमाइन देयर रेंजेस, डिटरमाइन देयर रेंजेस, दैट मीन्स आपको रेंज निकाल के दिखाना है, बस रेंज निकाल के आपको दिखाना है। दैट मीन्स आउटपुट निकाल के दिखाना है। रेंज मतलब क्या है, आउटपुट निकाल के दिखाना है। लिखो हियर a इक्वल्स टू -1 0 2 4 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर हियर एक्स इक्वल्स टू -1, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 4, ये सब वेलोस है, इनपुट वेलोस है कि नहीं। और फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू देखो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स का वैल्यू जो -1 हो तब ये होता है क्या, फंक्शन। अब फंक्शन में जाके इनपुट जो है वो यूज करोगे, वहां से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या चूज करना है, -1 प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 2 आ गया। दैट मीन्स ये आउटपुट है कि नहीं। दैट मीन्स -1 इनपुट के लिए आउटपुट निकलता है 2। अब 0 चूज करोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1। दैट मीन्स जब इनपुट आप 0 चूज करेंगे आउटपुट मिलेगा आपको 1। 2 चूज करेंगे, सो एफ एक्स इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1, दैट इज 5। अब 4 चूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर इनपुट आपने चूज किया, आउटपुट क्या निकल रहा है, ये सब निकल रहा है। तो जो आउटपुट निकलता है वही तो रेंज होता है ना। सो हियर रेंज ऑफ एफ इज, बस क्या क्या रेंज निकला, सीरियल वाइज लिखना है, 1 2 5 17। बस ये कलेक्शन है ना, एक ऐसे ब्रैकेट देकर रख दो, सेट है, कलेक्शन है, दैट मींस सेट बन गया ना। सेट को तो आपको सेकंड ब्रैकेट में रखना है, ओके उसको ऐसे किसी एक को तो आपको ड्रेस तो पहनाया है ना, ड्रेसिंग्स तो करना है। विदाउट ड्रेस यू कांट गो आउटसाइड। So no one can be left without the dressings, without the proper dressings as well. So just you can't leave like a naked person. Okay, so just you have to cover his body. That means cover means what? Both side आपको ये second bracket देना है, ये dress है except का, ठीक है? तो that means यहाँ पर ये जो है output निकला, ये यहाँ पर range बोला गया था निकालने के लिए, तो यहाँ पर range जो है वो outputs ही है, ठीक है? तो यहाँ पर घुमा फिरा के बात बोला गया। उसके बाद next question आओ, next question करेंगे हम लोग अभी। लिखो find the domain for which the functions functions fx equals to twice x square minus 1, gx equals to 1 minus 3x are equal। मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस दिया गया है, fx एक फंक्शन है और gx एक फंक्शन है, ठीक है? नाम दिया गया है? जैसे आपका बर्थडे है एक फंक्शन है और आपका पिताजी का बर्थडे है दूसरा फंक्शन है, ठीक है नहीं? अब दोनों फंक्शन जो है वो इक्वल है। अब जन्मदिन घर पे किसी का भी हो और इनपुट और आउटपुट तो सेम ही आएगा ना, दैट मींस सेम मतलब इन द सेंस आपको खाना बनाना है, लोग खा के जाएंगे, एक ही तो है ना। तो ये यहाँ पर फंक्शन जो आपका बर्थडे हो या फिर आपके भाई का बर्थडे हो, दोनों फंक्शंस जो है वो सेम ही है, है नहीं? तो आपको ये दोनों फंक्शन सेम जो है वो दिया गया है, ऑलरेडी इक्वल है। आपको जो है इनपुट वेलोज निकालना है। फाइंड द डोमेन मतलब क्या होता है? इनपुट वेलोज आपको निकाल के दिखाना है उन लोगों को, ठीक है? तो इनपुट वेलोज मतलब क्या होता है? आपको एक्स का वेलोज निकाल के दिखाना है, ठीक है? तो यहां पर देखो गिवन fx equals to twice x square minus 1 और gx equals to क्या देगा? 1 minus 3x। तो क्वेश्चन में जो है since ऐसे लिखो, since fx और gx जो है वो सेम है, so that means fx means what? Twice x square minus 1 and gx is what? 1 minus 3x। So now twice x square plus 3x minus 2 equals to 0। If I take all the terms in the one particular side, that is on the in the left hand side, I have taken all the terms in the left hand side। Left hand side में हम लोगों ने पूरा जितना सारा terms हैं सबको ले लिया है। फिर उसके बाद middle term factorization अगर करेंगे होगा शायद middle term factorization इसका, है कि नहीं? By 2 equation, ठीक है? So that means यहाँ पर 2x x common, x plus 2 and minus 1 is common, x plus 2 equals to 0। That is x plus 2 and 2x x minus 1, just like your class 10th solution, quadratic formation जैसे solution करते हैं ऐसे हम लोगों ने solution किया है। तो either x plus 2 equals to 0 और 2x x minus 1 equals to 0, that is x equals to minus 2 एक है और 2x x minus 1 equals to 0, that is x equals to half एक है, है? So that means यहाँ पर so the domain is what? एक माइनस टू निकलता है और एक हाफ निकलता है, है कि नहीं? So that means ऐसे सेकंड ब्रैकेट रख दीजिए, ठीक है? तो ये डोमेन वेलोज है, तो डोमेन वेलोज का कलेक्शन आप लोग बनाएंगे, दैट मीन्स इनपुट वेलोज का कलेक्शन आप लोग बनाएंगे, तो आपको तो सेकंड ब्रैकेट ही यूज करना है, है कि नहीं? तो कोई भी कलेक्शन हो आपको सेकंड ब्रैकेट ही यूज करना है यहाँ पर, है कि नहीं? ठीक है, हो गया। देन लिखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो given a equals to given a equals to minus 1, 0, 2, 5, 6, 11. Next question. Given a equals to एक सेट आपको दिया गया है, ठीक है. Given a equals to minus 1, 0, 2, 5, 6. Minus 1, 0, 2, 5, 6, 11. B equals to minus 2, minus 1, 0, minus 2, minus 1, 0, 18, 28, 18, 28, or 108, 108, okay. And fx equals to x square minus x minus 2 is f of a equals to b. आपको क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है. देन फाइंड f of a. मतलब यहां पर क्वेश्चन बोला गया है, एक दो सेट दिया गया है, a और b, दो सेट यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है. ए सेट क्या है, इनपुट सेट है, ए सेट इनपुट, और आउटपुट बी सेट. तो आपको यहां पर बोला गया है कि यहां पर ये जो इनपुट्स आप लोग चूज कर रहे हैं, एक्स का वैल्यूज चूज कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट जो निकल रहा है वो दोनों क्या मैच कर रहा है. इज ऐसे बोला गया ना, कहा इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी. दैट मीन्स इनपुट चूज करके जो आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट क्या सब बी सेट में आ रहा है, वो आपको चेक करना है कि नहीं. दैट मीन्स यहां पर देखो, आपको ऐसे ये लिखना है, लिखो गिवन ए सेट इक्वल्स टू दिस, बी सेट इक्वल्स टू दिस. गिवन ए इक्वल्स टू माइनस 1 0 2 5 6 11 और बी सेट क्या है, माइनस 1 माइनस 0 18 28 10 8. Here f such that a to b and ये इनपुट ये आउटपुट. तो एंड एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया गया है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. सो आपको अभी x का इनपुट वेलोज चूज करना है. इनपुट वेलोज क्या है, ये सब वेलोज है इनपुट वेलोज, ठीक है ना. सो x इक्वल्स टू माइनस 1 चूज करो तो देखो कितना आ रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 2 देयर इज 1. ये भी माइनस माइनस प्लस 1, तो ये प्लस 1, ये भी प्लस 1, प्लस 2 माइनस 2 जीरो. एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो चूज करना है आपको. दैट मीन्स ये भी जीरो, ये भी जीरो, माइनस 2 रहेगा. दैट मीन्स ये आउटपुट है. एक्स की जगह जीरो पुट करने से क्या होगा, ये एक्सप्रेशन जीरो, ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा ना. फिर x इक्वल्स टू 2, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 दैट इज क्या आएगा, ये 4, ये 4 है कि नहीं, माइनस 4, ये प्लस 4 जीरो. एक्स इक्वल्स टू 5, एफ एक्स इक्वल्स टू देखो 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 दैट इज 25. ये 25 है, 25 से 7 माइनस करना है, दैट मीन्स 18. एक्स इक्वल्स टू 6, एफ एक्स इक्वल्स टू 6 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 दैट मीन्स 36. 36 से आपको क्या माइनस करना है, 8 माइनस करना है, दैट मीन्स 28 है कि नहीं, ठीक है. फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद x इक्वल्स टू क्या चूज करना है, 6 तो हो गया, बाकी रह गया 11 चूज करना है. सो एफ एक्स इक्वल्स टू 11 स्क्वायर माइनस 11 माइनस 2 दैट मीन्स 121 माइनस 13 दैट मीन्स 108. 108 है कि नहीं, देखो तो ठीक है. सो यहां पर देखो माइनस 1 के लिए आउटपुट क्या आया, 0 आया. 0 बी सेट में है कि नहीं है, ठीक. x का वैल्यू 0 पुट करने से माइनस 2 आया, माइनस 2 इस आउटपुट में है कि नहीं है. ये देखो 0 भी है माइनस 2 भी है, इसमें आया 0, 0 तो है ही, पहले से ही था. 18 भी है, 28 भी है, 108 आया, इसमें आंसर 108 भी है। अब बी सेट में देखो तो कोई भी एलिमेंट बाकी रह गया है क्या जो बी सेट में है लेकिन आउटपुट नहीं आया? एक दिखाई दे रहा है यहाँ -1। बी सेट में एक आउटपुट वैल्यू दिया गया है -1 जो कि ट्रू नहीं है। हम लोगों ने जो जो यहाँ पर इनपुट वैल्यूज चूज किया है, इनपुट वैल्यू चूज करने के बाद कुछ तो आउटपुट मिलेगा ना आपको, तो आउटपुट यहाँ पर मिला हम लोग को। मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया, मैच कराया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बी सेट में सब आउटपुट वैल्यूज हैं, बट बी सेट में यहाँ पर और भी एक एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा रह गया है जो आउटपुट के साथ मैच नहीं कर रहा है, दैट मींस -1। तो -1 जो है देखो बी सेट में है लेकिन आउटपुट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन में आपको बोला गया था ना, इज f(a) इक्वल्स टू b, f(a) और b क्या सेम है? f(a) मतलब क्या है? आउटपुट। हियर f(a) ये जो है क्या है? आउटपुट है। हम लोगों ने ये जो निकला है ना ये सब वैल्यूज ये आउटपुट है। और b सेट तो आपको दिया गया है, b सेट दिया गया है ना, ये b सेट। तो f(a) जो आउटपुट निकला ये क्या b के साथ इक्वल है? क्योंकि बी में तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रह गया ना यहाँ पर -1 जो आउटपुट नहीं है। तो आउटपुट जो है बी सेट के साथ इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट में -1 नहीं है बट बी सेट में -1 है। ठीक है, तो ये आउटपुट वर्ड जो है ऐसे काट दो, काट के डायरेक्ट ये लिखना है आपको। हियर f(a) नॉट इक्वल्स टू b, सिंस ऐसे लिखो, बिकॉज here -1 belongs to b। -1 एक एलिमेंट है जो b सेट में है, बट -1 is not the image। इमेज मतलब क्या है? आउटपुट, इमेज ऑफ f। ठीक है, तो इसलिए f(a) और b को हम लोग इक्वल नहीं लिख सकते। सो f(a) क्या निकला? f(a) क्या निकला? देखो यहाँ पर क्या क्या f(a) का वैल्यू क्या निकला था? 0 निकला था, ठीक है नहीं? फिर -2 भी एक है, -2 सामने लिखो, सीरियल वाइज लिखना है। फिर 2 0, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 22, उसके बाद 28, फिर उसके बाद 18 28, फिर 108। ये आ गया f(a) का वैल्यू। इसमें -1 नहीं है देखो, क्योंकि -1 तो यहाँ पर तो आउटपुट आई ही नहीं है, तो -1 हम लोग आउटपुट क्यों ले, है कि नहीं? तो दैट मीन्स यहाँ पर f(a) और b इक्वल नहीं होगा। ठीक है, f(a) में -1 नहीं है बट b में -1 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किया है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है देखो, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है? This chapter is very important for your further studies also. Okay, just if you want to study the engineering, okay, then this function chapter is also very important. For the JEE main and advanced, function chapter is very important. For the 12th exam, very to the power infinity, important. 11th के लिए भी बहुत ही important. ठीक है, तो आपको ये सब चैप्टर जो है हम लोगों ने जो जो लेक्चर्स यहाँ पर रिलेशन फंक्शन चैप्टर से दिया है अपलोड किया है, देखो चैनल में जाके आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सब लेक्चर्स जो है आप लोगों को सुंदर तरीके से आपको देखना है। ठीक है, एक एक लाइन आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, मैंने क्या बोला है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ बोर्ड में क्या एक्टिविटी हो रहा है उसके साथ आप एक ब्रिज बनाइए। ब्रिज, जस्ट मेक अ ब्रिज बिटवीन my lecture and the board activity. Okay, then you will get the idea what is going on in this function chapter and in the relation chapter as well. Okay, so in this video just we have to stop here. Okay, in the next video we will discuss the different types of questions from the function chapter. It is these are all basic level questions, and after that we will go for the advanced level, some little bit higher standard questions. Those were very important for the board exams as well. That means your final exams, 11th final exams. Okay, so we will discuss this type of questions. Okay, so Till then, just stay safe and stay at home and just use the mask and sanitizers as well. It doesn't mean that if you are using this mask and sanitizers, then you will not be infected by this virus. Virus cannot be stopped by this mask and sanitizers. Okay, so we have to live with them. So just you have to be very much conscious so that you can't be infected by this deadly virus as well. Okay, and just take this complementary food. Actually, just try to make your immunity system as good as possible. Okay, and just take the vitamin C foods. Okay, and just do some physical exercise. Okay, just pranayam, yoga, this type of activities are very, very important in these days. Okay, so those persons are actually doing these things that they cannot be infected by this virus. If they will be infected by this virus, but they will be survived against this virus because their immunity system will be developed. Okay, just whenever just some human being are doing the activities, are doing the physical exercises and the yoga and this pranayam and this they are having different types of complementary foods. Okay, just vitamin C foods, and their immunity system is becoming developed day by day. Then I think whatever the virus it is, any virus cannot actually harm you as well. Okay, so just try to develop your immunity system day by day. So just in this lecture, just we have to say, if you like my videos, if you like my lectures, subscribe, like and share. Okay, ये जो और साइड में जो रेड कलर का एक बटन है, देखो सब्सक्राइब का लिखा हुआ है, सब्सक्राइब ऐसे क्लिक करना है, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को भी आपको ऐसे दबाना है, फिर उसके बाद जो है आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक भी देना है, आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक दो, ठीक है? ठीक है, डिसलाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।